हाय एवरीवन, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का एक और नया कॉन्सेप्ट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, इस एडजॉइंट से आप एक तरीका और सीखोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, यानी कि हम यहाँ पे दूसरा मेथड सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाले, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। इसमें आप जानोगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इसी में आप सीखोगे भाई एडजॉइंट के बाद, ठीक है। यानी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इसमें एडजॉइंट वाला, कि इसी के थ्रू आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 4.6, जिसमें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे, वो आप इसके बिना नहीं कर सकते। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले लेक्चर, और एग्जाम में यहां से लगभग 2 से 3 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करना एंड शेयर करना मत भूलना अपने सहपाठियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो तो बताऊंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। सो भाई, एक्सरसाइज 4.5 है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो जो हम इसमें यूज करने वाले हैं। कुछ चीजें आपको पहले से ही पता है और कुछ चीजें हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एडजॉइंट का मतलब क्या होता है। देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ए यहां पे क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए यहां पे क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि भाई हमारे पास जो कोफैक्टर आता है, उस कोफैक्टर यानी मैट्रिक्स को, कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पे जो कोफैक्टर है उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए। नहीं आई बात समझ में, है ना, नहीं आई होगी, आई एम श्योर। देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, है ना। कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। याद है हमने कोफैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया था कैपिटल लेटर से, है ना, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था। इसको हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज द मैट्रिक्स सी, ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है, ये मैट्रिक्स है कोफैक्टर के फॉर्म में। मैंने क्या कर दिया, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया कोफैक्टर्स को, ये सारे कोफैक्टर है, राइट। अब जो कोफैक्टर होता है इसको मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए आई जे करके, ठीक है। ये ऐसा वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको पता होगा, राइट। आई और जे क्या होता है, यहाँ पे रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई ये मेरे पास कोफैक्टर है, क्या बोला मैंने, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है कि जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज होता है, क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। एडजॉइंट ए मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है। यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसका जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज द एडजॉइंट। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्स ए का, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, ये रियल वाली मैट्रिक्स है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं। तो जो एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका आपको ट्रांसपोज कर देना, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। तो ये हो जाएगा। आप देखो यहां पे क्या है, हमें पता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का तो वहां पे हम रो को कॉलम में लिखते हैं, किसको क्या करते हैं, रो को हम कॉलम में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो यानी कि जो एडजॉइंट होता है वो एक्चुअली में मैट्रिक्स के कोफैक्टर का, यानी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, ओके। तो ये लाइन याद रखनी है भाई, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, या डिटरमिनेंट हम जब भी निकालते हैं, डिटरमिनेंट में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है, किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, ना ही आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो डिटरमिनेंट या एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले, तो 2x2 की हम बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है,
थ्री टू वन फोर फाइव सिक्स थ्री माइनस वन और माइनस टू ऐसे ले लिया मैंने कोई भी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे कोफैक्टर निकालूंगा। तो आप पहले क्या करो, इनका कोफैक्टर निकाल लो। तो जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, ए वन वन, ठीक है, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, राइट। इस तरीके से निकलवाया था मैंने। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है माइनर एंड कोफैक्टर का वीडियो, तो उसे जरूर देख लेना, ताकि आपकी ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वरना उसके बिना अगर ये नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है इस एक्सरसाइज का, अगर ये नहीं आता है तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं होने वाला आपको। तो देखिए आगे क्या है। अब जहां जहां पे यहाँ पे आई प्लस जे का सम ऑड आता था, याद है क्या बताया था, अगर आई प्लस जे ऑड है तो यहां पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट से पहले नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। और अगर i प्लस j यहां पे इवन है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। तो i प्लस j का देखना है सम आपको, ठीक है। अब जैसे यहां पे 1 2 इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 का मतलब ऑड हो गया, तो ऑड का मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां पे भी 3 हो रहा है तो ऑड हो गया, तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहां पे भी 5 हो रहा है तो ऑड आ जाएगा, नेगेटिव साइन। एक्चुअली में इस केस में 3 और 5 ही आता है ऑड के केस में, इवन तो 2 4 6 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑड में केवल 3 और 5 मिलेगा आपको। तो भाई ये जो जहां जहां ऑड दिख रहा है i प्लस j का सम, वहां पे आप नेगेटिव साइन लगा दो। अब क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे इस फर्स्ट एलिमेंट का, 3 का, राइट। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैं 3 का निकाल रहा हूं तो इसी के रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं। बाकी जो बचे 4 एलिमेंट इसके अलावा, उसका हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। सो 5 दूनी माइनस 10, 6 कम 6 माइनस 6, माइनस 10 और माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 का निकालोगे तो ये वाला बीच वाला कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करोगे। 4 दुनी 8 माइनस 8, 6 ते 18, तो माइनस 8 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और यहाँ एक माइनस का साइन आएगा। सेम ऐसी A13 निकाल लो, A13 निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 और माइनस 15, माइनस 4 माइनस 15 माइनस 19 हो जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ पे A21 निकालोगे, A21 ये वाला कॉलम बीच वाला रो और ये फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 1 और माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। 2 2 जा माइनस 4, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, तो माइनस 4 और प्लस में 1 यानी कितना हो गया, माइनस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेम इधर ऐसी, ठीक है, 3 दुनी माइनस 6, 3 एकम 3, तो माइनस 6 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9 हो जाएगा, राइट। सेम ऐसे इसमें आएगा भाई, थर्ड वाले का निकाल लो, तो 3 एकम माइनस 3, 3 दुनी 6, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो प्लस 9 हो जाएगा, ओके। अब ऐसे यहाँ पे 3 1 का निकाल लीजिए इसका, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। बीच वाले के केस में निकालोगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये डिलीट हो गया। 3 6 18, 4 1 4, 18 में से 4 गया, 14 बचेगा, ठीक है। और सेम लास्ट वाला ये वाला पार्ट जो है डिलीट करोगे, 3 5 15, 2 4 8, 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। देखो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर, ये क्या आया हमारे पास, अभी कोफैक्टर आया है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का क्या करोगे आप, ट्रांसपोज करोगे। तो यहां से आप सीधे एडजॉइंट निकालोगे आप, सो एडजॉइंट ए जो हो जाएगा, पहले आपको कोफैक्टर निकालना है बच्चों, पहले कोफैक्टर निकालोगे। अब जो ये कोफैक्टर आ गया है, इनको आप ट्रांसपोज कर दोगे, तो जैसे माइनस 4 26 और माइनस 19 है, ये तो रो में आ रहा है, तो इसको आप कॉलम में लिख दोगे, तो माइनस 4 ऐसे, ठीक है, 26 और माइनस 19 ये कॉलम में आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 9 और 9, ठीक है, 3 माइनस 9 और 9 क्या करोगे, कॉलम में लिख दोगे। मैंने इसको ट्रांसपोज कर रहा हूं यहां से सीधे, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, सीधे ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 14 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। तो यानी कि जो भी आप किसी भी मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद आप उस का क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने 3 बाई 3 का एक एग्जाम्पल लेके बताया था, चलो इसी प्रकार 2 बाई 2 का बताऊंगा, और उसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो।
अगर मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, यानी को फैक्टर लिख रहा हूं मैं सीधे, क्या लिख रहा हूं मैं को फैक्टर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, अच्छा को फैक्टर मत लिखो, छोड़ो ये मत लिखो सीधे, आप ऐसे लिखो कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 2x2 की, a11 a12 a21 a22, ठीक है। अब देखो इसमें आपको अगर एडजॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आप सीधे निकाल सकते हो, नहीं तो पहले आप को फैक्टर निकाल लो, वो भी एक तरीका है। तो पहले आप इसका को फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो को फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो को फैक्टर होगा भाई वो आ जाएगा मेरे पास a11 a12 a21 a22, यही होगा ना। अब देखो इसका और इसका सम क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है, 1+2 3 1 2+1 3 हो जाएगा, ऑड हो रहा है। तो यहां पे नेगेटिव साइन और यहां पे भी नेगेटिव साइन लगा दोगे। अब a11 का को फैक्टर क्या होगा, इसका को फैक्टर क्या होगा भाई, इसका रो और कॉलम डिलीट करो तो बचा क्या a22, राइट। a12 का को फैक्टर ये हो जाएगा a21, ओके। और सेम यहां पे देखो a21 का जो को फैक्टर है वो क्या हो जाएगा a12, राइट। और a22 का को फैक्टर क्या होगा, ओनली a11, ओके। चलिए अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है। तो भाई इस 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इसको आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। हमारे पास को फैक्टर आ गया, को फैक्टर का आपको ट्रांसपोज करना होता है। सो a22 a21 नेगेटिव का और a12 और a11 ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा 2x2 के केस में। अब देखो इसमें और इसमें आप जरा देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटी है। देखो यहां पे क्या है, इन दोनों को यहां पे इंटरचेंज कर दो, यहां पे ही तो रखा है, जो डायगोनल एलिमेंट है इनको यहां पे इंटरचेंज किया। ये केवल जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं ये केवल 2x2 के केस में ही वैलिड होता है, ठीक है। तो भाई इनको तो क्या कर दिया यहां पे, इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया यहां पे, इन दोनों को इंटरचेंज किया यहां पे, ओके। और यहां पे आप देखो जरा, इन दोनों को ये वाले जो दूसरे हैं नॉन डायगोनल की आप बात कर सकते हो, ठीक है, इनके क्या हो रहे हैं, केवल साइन चेंज हो रहे हैं, यहां पे जो साइन है केवल इसके साइन बदले जा रहे हैं, साइन चेंज किया जा रहा है, ओके। तो देखो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 2x2 के केस में अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, 2x2 के केस में आप डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, यानी कि आप इनको क्या करोगे, इनको इंटरचेंज कर दोगे डायगोनल वाले एलिमेंट्स को, यानी a22 a11 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के क्या करोगे आप, साइन चेंज कर दोगे, तो ये -a12 और ये -a21 हो जाएगा, ओके। तो यहां पे आप डायरेक्टली इस तरीके से एडजॉइंट ए निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि भाई डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल एलिमेंट को आपको इंटरचेंज कर देना है, यानी जहां पे फर्स्ट एलिमेंट है वहां पे सेकंड आ जाएगा, जहां पे फोर्थ वाला एलिमेंट है वहां पे फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे यहां पे इनमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है जो यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। ये केवल ट्रिक 2x2 के मैट्रिक्स में ही वैलिड है, 3x3 में ये वैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर बात करते हैं आगे ये है क्या। 2x2 का आप एग्जाम्पल अगर लो, लेट कर लेते हैं मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 3, 5, -3 और 2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो आप सीधे सीधे 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिख देना, क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे डायगोनल एलिमेंट को, क्या करना है, इंटरचेंज। तो यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा, राइट। और इन दोनों के क्या करोगे आप, साइन चेंज करोगे, ठीक है। तो यहां पे -3 है तो +3 हो जाएगा और +5 है तो क्या हो जाएगा, -5। ये आपका डायरेक्ट 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा, इसमें आपको को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये आपके को फैक्टर, ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है, a22 है, ठीक है। तो को जब भी आप एडजॉइंट निकालते हो तो ये याद रखना कि आप पहले मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालोगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। और मैट्रिक्स कभी भी को फैक्टर निकालो तो एक कॉलम में सारे एलिमेंट नहीं लिखना है, मैट्रिक्स के रूप में को फैक्टर को निकालना तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मेट देख लेना, मैंने समझा रखा है कैसे इस फॉर्मेट में आप को फैक्टर निकाल सकते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाती है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट्स की।
कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की, जरा वो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला यानी ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई। यानी यहां पे अगर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, वैसे तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हालांकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ जनरली फॉलो नहीं होता है ना। दिस इज नॉट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इस केस में हो जाता है। और ये किसके बराबर होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू में आई, यानी एक तरह से डायगनल मैट्रिक्स के बराबर होता है ये। किसके बराबर होगा, डायगनल मैट्रिक्स के बराबर, जिसके डायगनल एलिमेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट जीरो 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 ए डिटरमिनेंट जीरो 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 ए डिटरमिनेंट, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो एडजॉइंट ए का मतलब, ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो डायगनल एलिमेंट में डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, राइट। सो दूसरा इसके अंदर जो है भाई वो है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट काफी सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। जो इसका डिटरमिनेंट होता है वो एक्चुअली में होता है किसके बराबर, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन। एन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा इसका एग्जाम्पल देता हूं, और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यहां से एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है, पूछा जाता है। जैसा आपको दे दिया भाई, इफ इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू थ्री और एन यहाँ पे क्या है, थ्री है, मतलब थ्री जो मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री है और उसका डिटरमिनेंट थ्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि भाई व्हाट इज द एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, यानी एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ए डिटरमिनेंट की पावर थ्री माइनस वन कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे, ए डिटरमिनेंट की पावर थ्री माइनस वन कर दोगे, तो ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट की पावर टू हो जाएगा। अब मेरे पास ए डिटरमिनेंट थ्री है, तो यहाँ पे क्या करोगे, थ्री पुट कर दोगे, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, अगर आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसके अंदर जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, ए इनवर्स। अगर आपको अच्छा इससे पहले एक चीज और, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दो चीज और है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, देखो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो के बराबर हो। जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस केस में मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, ठीक है, मैट्रिक्स यहां पे इनवर्टिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है अगर ए डिटरमिनेंट जीरो होता है, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस केस में मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं होगा, मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट होता है नॉन जीरो वैल्यू होती है, ठीक है, रियल तो होगी क्या, बट नॉन जीरो भी होगी। और यहां पे दूसरी बात क्या आएगी कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, क्या लिखोगे आप, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। देखो जब हम 4.6 एक्सरसाइज करेंगे, जब हम वहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो आपको फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी उसमें। सो मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी की बात होगी।
अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन ऑफ द, और ये बुक के अंदर कहीं मेंशन नहीं है, एग्जांपल के थ्रू इन्होंने और एक एमसीक्यूज में कहीं दिखा रखा है। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू वन बाई ए डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा, वन बाई ए डिटर्मिनेंट। आप ऐसे लिख सकते हो ए इनवर्स इन टू में ए, यानी इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ठीक है, ए की प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। सो आखिरी प्रॉपर्टी भाई देख लो, अब जरा लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब इसमें ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप नया मेथड सीखोगे इनवर्स निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स का आप, अगर आपको इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है ए इनवर्स इक्वल टू एड जॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। ये है इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका। इससे पहले हमने कौन सा तरीका सीखा था, इससे पहले जो हमने मेथड सीखा था वो था एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमने सीखा था 3.4 एक्सरसाइज में, यानी कि इन द चैप्टर 3 मैट्रिक्स के अंदर, राइट। तो ये एक अनादर मेथड है इनवर्स निकालने का। तो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट होता है। इसमें आपको क्या कहते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ए इनवर्स है इसको आप ऐसे भी याद रख लेना, ए इनवर्स इनटू में ए डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिटेल में करेंगे और एक एक स्टेप करेंगे और उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से आप अपने एग्जाम में लिख सको, सीबीएसई के, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, हालांकि सीयूटी वाले और जो एनडीए वाले होते हैं और जो नीट, जो सॉरी जो जेई वाले एस्पिरेंट है, नीट निकल जाता बराबर, तो जेई वाले एस्पिरेंट है, ठीक है, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उनमें तो सीधे एमसीक्यूज आता है, राइट, तो ये बेसिक है लेकिन उनको और एडवांस मैथमेटिक्स करनी पड़ती है। हाँ, थोड़ी जेई की मैथ्स जो है थोड़ी बहुत हाई लेवल की होती है, एनडीए का इतना नहीं है। इंडिया का तो आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, एनडीए का पेपर आप ऐसे क्रैक कर दोगे, ठीक है। मैथ्स का, मैथ्स एनडीए का ऐसे निकल जाता है अगर आप केवल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर की बुक कवर कर लो आप, तो आपकी एनडीए की तैयारी ऐसी हो जाएगी। 11th क्लास की भी उसमें आता है सिलेबस ध्यान, सीयूटी वाले के लिए केवल 12th क्लास का है। 12th क्लास वाले जो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं वो केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़ के चले जाए पूरी की पूरी, ठीक है, डिट तो वही चेपी होती है, ठीक है, पेपर के अंदर। तो नाउ सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं भाई, हर एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। इसका तो भाई बड़ा सिंपल है, एडजॉइंट निकालना है ना, इसका एडजॉइंट निकालना है। 2x2 का केस बहुत सिंपल होता है, 2x2 का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। क्या करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, तो 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1, तो इनको क्या किया, पहले मैंने इंटरचेंज कर दिया, समझ लो इसको, तो 1 और 4 को इंटरचेंज कर दोगे और इनको क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। जो ये वाले एलिमेंट है जो नॉन डायगोनल के केस में आ जाते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, -2 और -3, ये हो गया आपका एडजॉइंट। बस एक लाइन का आंसर था, लेकिन इसका नहीं है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, राइट। तो इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, ओके। अब क्या करना है हमें, जहां जहां सम ऑड आ रहा है, जैसे यहां पे ऑड आ रहा है तो माइनस लगा देना है यहां पे, राइट। यहां भी ऑड है तो माइनस, 2 1 पे, 2 3 पे भी ऑड आ रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है ना, तो माइनस साइन, तो यहां पे भी क्या लगाओगे, माइनस साइन लगा दोगे। अब क्या करना है, यहां पे इनका कोफैक्टर निकाल लो, तो कोफैक्टर निकालोगे, सो 3 1 3 5 इंटू 0 5, तो 3 माइनस में 0 कितना हो गया भाई, 3 आ गया ना। इसका जो कोफैक्टर है, इसको और फर्स्ट रो को क्या करोगे, आप डिलीट कर दोगे, राइट। सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, बीच वाली कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो तो डिलीट ही हो जाएगी भाई, 2 1 2 और -2 इंटू में 5 -10, 2 + 10 कितना हो गया, 12 हो गया, राइट, तो ये -12 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे लास्ट वाला देख लो भाई, तो इस तरीके से हो गया, ये चार एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 2 × 0 0, 2 3 6 -6, तो -6 कितना हो गया, +6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा।
ऐसे आप इसका निकालो भाई सेकंड वाले का, इसका जो जो कोफैक्टर होगा इस टू का वो क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम और ये बीच वाली रो डिलीट, तो माइनस वन टू और जीरो वन बचेगा, सो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया प्लस वन हो गया, राइट। ऐसे यहाँ पे इसका ए टू टू का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये बीच वाला तो रो डिलीट ही रहेगा, ये बीच वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, सो वन और माइनस टू माइनस फोर, तो वन प्लस फोर कितना हो गया फाइव हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो हो जाएगा, ये पहले भी करा चुका हूं, कोई नया नहीं करा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वन इंटू जीरो जीरो और जीरो माइनस में टू कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस ऑलरेडी अवेलेबल है तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए थ्री वन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा माइनस फाइव और माइनस सिक्स कितना हो गया माइनस फाइव और माइनस सिक्स माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका निकालो जीरो वाले का क्या आ जाएगा फाइव और माइनस में फोर तो वन आ जाएगा, और लास्ट वाले का भी चेक कर लो भाई थ्री माइनस में टू तो पांच हो जाएगा, थ्री माइनस माइनस टू तो प्लस टू हो जाएगा फाइव हो जाएगा, राइट। क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है बच्चों एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे भाई ये जो यहाँ पे हमारे पास कोफैक्टर आ रहा है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो कुछ नहीं करना है भाई यहाँ पे रो को कॉलम में लिखना शुरू कर दो, आपको दिखाना नहीं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखोगे ट्रांसपोज करोगे, नहीं आप सीधे रो को कॉलम में लिखो भाई थ्री माइनस ट्वेल्व और सिक्स, ठीक है रो है कॉलम में लिख दो, ठीक है वन फाइव और टू सेम ऐसी माइनस इलेवन माइनस वन और फाइव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री फोर है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5, ठीक है हमें वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट आई के बराबर है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले ए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो दो छिक बारह माइनस बारह माइनस माइनस बारह है ना, तो कितना हो गया माइनस बारह प्लस बारह क्या आ गया जीरो आ गया, ओहो यानी दो छिक बारह माइनस बारह राइट, और तीन चौक बारह माइनस बारह माइनस बारह यानी प्लस बारह हो गया, ठीक है तो जीरो आ गया, चलो डिटरमिनेंट तो जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो ए डिटरमिनेंट इंटू में आई है जीरो इंटू में आई करोगे तो ये एक तरह से जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी भाई जीरो मैट्रिक्स, टू बाई टू की जीरो मैट्रिक्स राइट, चलो ठीक है ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ए निकालना है, क्या निकालेंगे हम एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या आएगा इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस एक्स टू हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो माइनस थ्री और प्लस फोर हो जाएगा राइट। अब क्या करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, व्हाट इज ए इज टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स राइट, और एडजॉइंट ए माइनस सिक्स माइनस थ्री फोर एंड टू राइट। क्या करेंगे रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लीकेशन आ गया दो मैट्रिक्स का, टू सिक्स जा माइनस ट्वेल्व थ्री फोर जा प्लस ट्वेल्व टू थ्री जा माइनस सिक्स थ्री टू जा प्लस सिक्स। अब ऐसी सेकेंड रो को कॉलम में इंटू करेंगे वन बाई वन, माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी यानी प्लस ट्वेंटी फोर, माइनस सिक्स इंटू फोर प्लस माइनस ट्वेंटी फोर है ना, और ऐसे माइनस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, सिक्स इंटू टू इज माइनस ट्वेल्व, तो क्या आ गया भाई ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है विच इज इक्वल टू दिस वन फर्स्ट वाला जो है हमारे पास राइट, ये सेकेंड आ गया हमारे पास। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है और इंटू में ए निकालेंगे, ठीक है एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है माइनस सिक्स माइनस थ्री फोर एंड टू, ओके और ए मैट्रिक्स टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स, क्या है टू थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स, कर लो भाई इसको मल्टीप्लाई, रो को कॉलम इंटू करोगे तो भाई फर्स्ट रो को दोनों कॉलम इंटू करोगे माइनस सिक्स इंटू टू इज माइनस ट्वेल्व, माइनस थ्री इंटू फोर इज प्लस ट्वेल्व, माइनस सिक्स इंटू थ्री इज माइनस एटीन, थ्री इंटू माइनस सिक्स इज प्लस एटीन, फोर इंटू टू इज एट, टू इंटू फोर इज माइनस एट, फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व, टू इंटू माइनस सिक्स इज माइनस ट्वेल्व, तो ये भी बच्चों देखो जीरो 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 हो गया है ना, दिस इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स राइट। तो आप देख सकते हो तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं किसके जीरो मैट्रिक्स के बराबर है बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई एडजॉइंट 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 ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू में एडजॉइंट ए और इक्वल टू ए डिटरमिनेंट आई, ठीक है विच इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स हेंस वेरीफाइड। तो देखिए टू बाई टू का था ये, तो थ्री बाई थ्री का भी डिट्टो ऐसी होगा, ठीक है ये आप पे छोड़ता हूं मैं, ट्राई करना पहले कोफैक्टर निकालोगे एडजॉइंट निकालोगे उसके बाद, इससे पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, पहले जैसे क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे आपको ऐसे यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है डू योर सेल्फ
ट्राई योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, अभी बहुत सारे सवाल है ना, वो भी करने हैं, तो डू योरसेल्फ, ठीक है। और जरा आंसर कमेंट में जरा टाइप करना कि आपका क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 से 11, जो 5 से 11 है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है इसमें, ठीक है। तो इनवर्स निकालने का तरीका देखो भाई, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 * 3 = 6 हो जाएगा, और 4 * 2 - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 यानी क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या करेगा यहाँ पे, इनवर्स एग्जिस्ट। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि बताइए कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको जस्ट इतना ही निकाल के चेक कर लेना है कि ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, राइट। चलो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे भाई। 2x2 का मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना बड़ा सिंपल है, राइट। इसका एडजॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्या करना है हमें, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, राइट। इन दोनों के क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो +2 और -4 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्या बताया था, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, राइट। तो एडजॉइंट ए तो हमारे पास ए ये आ गया, और डिटरमिनेंट कितना है, 14 है, तो 1/14, 3, 2 - 4 and 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो बड़ा सिंपल तरीका है, ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो बहुत सिंपल तरीका ये, ठीक है। 2x2 के लिए तो हर क्वेश्चन में इजीली हो जाता, दिक्कत आती 3x3 में, लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। सो इसी का 6th क्वेश्चन है भाई वाला, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स का है। सबसे पहले हमें इसका भी इनवर्स ही निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1 * 2 - -2, 5 * 3 - -15 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -+15 में से 2 गया, 13 बचेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले बताया था ये वाले सवाल भी एक नंबर में पूछा जाता है यहां तक, ठीक है। चलिए, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे डायगोनल एलिमेंट को, तो 2 - 1, इनके साइन चेंज करेंगे, 3 और -5, ओके। अब क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट कितना है, 1/13, और एडजॉइंट ए हमारे पास 2 - 5 - 3 - 1 होगा, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको निकालना है। 2x2 तो बड़ा बिल्कुल जस्ट लाइक च्यूइंग पीनट्स के बराबर ही है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है 3x3 का मैट्रिक्स, और देखते हैं उसमें भी क्या कमाल होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 7th क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, लेकिन ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो थोड़ी सी मेहनत इसमें ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो ए डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 * मैं एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अलोंग दो, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 0 है, राइट, तो ज्यादा बेटर है। तो 1 * में क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। सो ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ये वाले, इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 * 5 = 10, 4 * 0 = 0, और -0 something 0, +0 something क्या आ जाएगा, 0 भाई, यहाँ पे 0 * 2 = 0, 0 * 2 = 0 आ जाएगा, राइट। तो इसको कोई और जरूरत लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या आ जाएगा, 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो भाई कोफैक्टर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 33, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कोफैक्टर, माइनस 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 और माइनस, राइट। जहां जहां पे सम i प्लस जे का ऑड आए वहां क्या लगाना है, माइनस माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस लगाना है। चलो अब करते हैं सॉल्व जरा भाई, इसका कोफैक्टर क्या होगा, a11 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, 2 * 5 = 10, 10 में से 0 गया तो क्या बचा, 10 बचेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे सेकंड वाले का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, यहाँ पे तो 0 * 5 = 0, 0 * 4 = 0, 0 - 0 क्या हो गया,
जीरो हो गया। ऐसे इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो। ठीक है, सेम ऐसे नेक्स्ट वाले सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का निकाल लो भाई, फर्स्ट सेकंड रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो भाई दो पंजे दस, तीन इंटू जीरो जीरो, दस माइनस जीरो कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा और नेगेटिव करेगा, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पे बीच वाला कॉलम, बीच वाला रो डिलीट हो जाएगा तो बचा गया पांच, एक पंजे पांच, तीन इंटू जीरो जीरो और पांच में से जीरो गया, कितना बचा, बच्चा पांच बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये ना देखो, देखो ये बीच वाला रो और तीसरा कॉलम डिलीट करना है, बीच वाला रो एंड तीसरा कॉलम, और एक इंटू जीरो जीरो, दो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, जीरो जीरो जीरो। अब थ्री वन निकालेंगे तीसरे रो का पहला एलिमेंट का कोफैक्टर। तो भाई ये यहाँ पे पहला रो, ठीक है, कॉलम और ये तीसरा रो, तो तीसरा रो तो ऑल टाइम डिलीट ही रहेगा, पहला कॉलम डिलीट करोगे तो ये चार एलिमेंट बचे, दो चौका आठ, तीन दूना छह और आठ में से छह गया, कितना बचा, दो बचेगा, बच्चा दो बचेगा है ना, तो दो बचेगा यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले का भाई, दो तीसरा कॉलम, तीसरा रो बीच वाला कॉलम, ठीक है, एक चौके चार, जीरो इंटू थ्री जीरो, चार में से जीरो गया, क्या बचा, चार बचा और नेगेटिव साइन। दो नेगेटिव साइन लगाने का बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे, पहले से आप माइनस साइन लगा देना, आपको बाद में माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा और मार्क्स भी परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो भाई तीसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट करो, दो एकम दो, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, दो में से जीरो गया, क्या बचा, दो बचेगा बच्चा। ठीक है, चलो अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलता है भाई, ये तो आ गया को फैक्टर, क्या आ गया, ये को फैक्टर, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब क्या करते हैं हम भाई, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो को फैक्टर का ट्रांसपोज किया जाता है, क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि भाई रो को कॉलम में लिख देना, तो दस जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, माइनस दस पांच जीरो क्या आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा भाई, दो माइनस चार दो भी क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा सर जी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इनवर्स। बच्चा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट होता है, तो एडजॉइंट ए तो हमें आ चुका है और डिटरमिनेंट क्या है, टेन है, तो वन बाई टेन और इन टू में एडजॉइंट, टेन माइनस टेन टू जीरो, फाइव माइनस फोर जीरो जीरो एंड टू, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने कितने लंबे लंबे कैलकुलेशन की थी, ठीक, कितने सारे हमने फ्रैक्शन को जोड़े थे, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, 25 बाई 16, 16 बाई 41, 16 बाई, बड़े लंबी लंबी वैल्यू आई थी, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं है, यहां से आपका थोड़ा आसान हो जाता है काम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, इसका भी हमें इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, डिटरमिनेंट निकाल लो, पहले चेक कर लो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर हुआ तो नहीं निकलेगा बेटा, और अगर नॉन सिंगुलर हो तो सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, तो भाई ए डिटरमिनेंट क्या करेंगे भाई, फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम डिटरमिनेंट निकाले तो ज्यादा आसान है, केवल ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी दोनों जीरो तो जीरो इंटू जीरो से जीरो हो जाएगा, जीरो से टकराएगा जीरो में ही मिल जाएगा बच्चा। ठीक है, चलो वन इंटू में क्या आ जाएगा, तीन एकम तीन माइनस तीन, टू इंटू जीरो माइनस जीरो और प्लस जीरो इंटू जीरो 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 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। अब क्या निकालेंगे हम, को फैक्टर निकालेंगे, निकाल लो भाई को फैक्टर्स, को फैक्टर्स, को फैक्टर, को फैक्टर क्या आएगा इसका भाई, हम लिखेंगे पहले ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जहां पे i प्लस j का सम क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, तीन और पांच जहां पे सम आ जाए वहां पे माइनस साइन लगा देना, जैसे यहां पे क्या है वन प्लस टू थ्री तो नेगेटिव साइन, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे भी टू प्लस वन थ्री नेगेटिव साइन, यहां पे भी पांच नेगेटिव साइन, यहां भी पांच नेगेटिव साइन, तो चार जगह आता है, देखो जरा एक दो तीन चार, ठीक है, चतुर्भुज बन जाता है इस तरीके से, ये मतलब एक तरह से ऐसा बनेगा, देखो ये वाला इस तरीके से बनता है, चेक कर लो चाहो तो, ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, ये ऐसे बिंदी, 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 हो गया ना नाइन एलिमेंट। ओके, बीच वाला बिंदी ऐसे ही रहता है, राइट। चलो अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब भाई इसका पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ए वन वन,
A11 का कोफैक्टर फर्स्ट हो तो ऑल टाइम डिलीट होगा, तो फर्स्ट कॉलम डिलीट। भाई ये बचे चार एलिमेंट, तीन एकम तीन माइनस तीन, दो इंटू जीरो जीरो माइनस तीन, जी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, केवल माइनस तीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भाई सेकंड वाले केस में फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। भाई तीन एकम तीन यानी माइनस तीन, पांच इंटू जीरो यानी जीरो, माइनस थ्री और माइनस जीरो माइनस थ्री, तो प्लस थ्री हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहां पर है। ऐसे इस वाले केस में देख लो भाई, तीन दुनी छह, तीन पंजे पंद्रह, छह में से पंद्रह गया, कितना बचा, माइनस नौ बचा। सेकंड वाले केस में ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो डिलीट, तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करोगे भाई, माइनस वन और जीरो तो माइनस वन ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे थर्ड कॉलम और सेकंड रो डिलीट करोगे तो दो माइनस जीरो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, ऐसे आप भाई तीसरे रो का क्या करोगे, आप कोफैक्टर निकालोगे। तो भाई पांच का जो कोफैक्टर है, तीसरी रो डिलीट रहेगी, फर्स्ट कॉलम डिलीट, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। बीच वाला रो थर्ड कॉलम, बीच वाली कॉलम थर्ड रो से डिलीट कर देंगे, वन इंटू जीरो इज थ्री इंटू जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला लास्ट वाला निकाल लो भाई, माइनस थ्री माइनस वन और ये वाला, ये माइनस वन वाला जो थर्ड कॉलम है और थर्ड रो इसको डिलीट करेंगे, तीन एकम तीन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, रो को कॉलम में लिखना शुरू करो, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन, है ना, ये रो है कॉलम में आ जाएगा, ये वाली रो कॉलम में आ जाएगी, जीरो माइनस वन माइनस टू सेम जीरो 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 थ्री, जीरो 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 थ्री हो जाएगा। दिस इज योर एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, और इनवर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चा, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट कितना है, माइनस थ्री है, तो माइनस वन बाई थ्री, व्हाट इज एडजॉइंट ए, माइनस थ्री जीरो जीरो, थ्री माइनस वन जीरो, माइनस नाइन माइनस टू और थ्री, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, इसका भी हमें ए इनवर्स निकालना है। चलो करते हैं इसका पोस्टमार्टम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब इसमें से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि जहां पे आप, एक काम करो जहां पे लगे ना भाई कि जीरो ज्यादा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लिया करो। तो भाई दो गुणा में कितना आ जाएगा, दो इंटू में, दो इंटू में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, माइनस वन और माइनस जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस वन इंटू में माइनस वन, इसके लिए करोगे तो फोर और प्लस में जीरो हो जाएगा, सेवन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लास्ट वाले का निकालो भाई, थ्री इंटू में, थ्री इंटू में, चार दुनी आठ और माइनस सात। ठीक है, इस तरीके से ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, याद होगा ना, निकाला है ना, डिटरमिनेंट का पूरा एक एक्सरसाइज था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, यहाँ पे तीन आ जाएगा, माइनस दो माइनस चार माइनस छह जमा तीन माइनस तीन हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब क्या भाई, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। चलो अब क्या निकालेंगे हम, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। सो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। पहले आपको ऐसा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेट लिख लेना। और जहां जहां ऑड सम आ रहा है, जैसे यहाँ पे तीन आ गया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन और माइनस वन, चार जगह नेगेटिव साइन आते हैं, पहले साइन आप पुट कर देना। ओके, अब देखो तो पहले हम क्या निकालेंगे, टू का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो माइनस वन, ठीक है, तो माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो जरा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, चार एकम चार, सात इंटू जीरो जीरो, तो चार में से जीरो के कितना बचा, चार, माइनस का साइन ऑलरेडी है तो माइनस फोर। सेम ऐसे इस वाले केस में भाई, माइनस यानी आठ, आठ में से सात गया, कितना बचा, एक बचेगा। ठीक है, ए टू वन निकालो, ए टू वन ही हो जाएगा, ए टू वन यानी ये वाला सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, तो सेकंड रो डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो वन माइनस में सिक्स कितना हो गया, माइनस फाइव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस फाइव तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, ये वाला तो ऐसे रहेगा। अब नाउ इसका निकालो भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो भाई दो और माइनस इक्कीस, दो जमा माइनस, दो जमा इक्कीस कितना हो गया, तेईस हो गया। ठीक है, ए टू थ्री, ए टू थ्री हो जाएगा ना, ये वाला और ये डिलीट, तो चार में से सात गया, कितना बचेगा, ग्यारह, ग्यारह माइनस का आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही थ्री वन का निकाल लो, थ्री वन भाई ये वाला ना, सेवन टू और वन का कोफैक्टर निकालेंगे, तो भाई इसका जो आ जाएगा जीरो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लो भाई, थर्ड कॉलम और सेकंड
थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट, ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। सो 2 × 0 = 0, 4 × 3 = 12, 0 में से 12 गया कितना बचा, -12, तो +12 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट का भी निकाल लो आप, क्या कोफैक्टर -2 और -4 -6। सो क्या निकालेंगे यहां से, एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या होता है एडजॉइंट ए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में लिख दो, -1 -4 1 और क्या 5 23 11 माइनस का, ठीक है 3 12 -6 हो जाएगा, राइट। अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने वालों में, कई बार बहुत सारे थुरमदार होते हैं आप में जो सोचते हैं कि हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लास्ट में पेपर में लिख के आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। बेटा जो आज आप पढ़ रहे हो ना, जो यहाँ पे आज लिखोगे आप, ठीक है, वही सेम थिंग आप एग्जाम पेपर में लिख के आते हो, फिर वहां पे आपके नंबर डिडक्ट हो जाते, कट जाते हैं वो, क्योंकि आप ज्यादा अपने आप में थुरमदार बनने लग जाते हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो आप चीजों को स्किप करते हो। जब आप चीजों को स्किप करते हो तो दिमाग से भी वो धीरे धीरे स्किप होते रहता है, रहता है, रहता रहता जीरो हो जाता है, और एंड में आप क्या करते हो, ठप वहां बैठे रहते हो, रोम शांति ओम करते रहते हो, ठीक है। तो यही चलता है भाई, दिमाग की शांति तभी होगी जब आप हर चीज को प्रॉपरली लिख के जा रहे हो। जहां फॉर्मूला आ रहा है वहां फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, हर चीज निकालनी है, नहीं निकालोगे तो धीरे धीरे चीजें डिलीट होती जाती है और एंड तक शून्य ही बचता है, ठीक है। तो भाई एड ऑन करने के लिए बार बार उसको रिपीट करना ही पड़ेगा, रिपीटेशन इज वेरी नेसेसरी इन द लर्निंग प्रोसेस, ओके। चलिए अब एडजॉइंट ए निकालना है भाई, ए डिटरमिनेंट कितना है हमारे पास, ए डिटरमिनेंट -3 है, तो -1/3, -1 5/3, -4 2 3, 12 1 -11 -6, ठीक है, ये ए इनवर्स आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी हमें ए इनवर्स ही निकालना है। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है वो भी हम करेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सो सबसे पहला काम क्या होगा, ए डिटरमिनेंट निकालना। तो भाई 1 × में फर्स्ट रो के अलोंगी निकाल रहा हूँ, 2 × 4 = 8 -6, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, सो 0 - -9, तो +9 हो जाएगा। और 2 × में क्या आ जाएगा, 0 - 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे -12 11 11 - 12 कितना आ जाएगा, -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर। सो भाई a11 a12 a13 a21 a22 a23, ओके, और a31 a32 a33, ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे इसको इस तरीके से। तो भाई यहां पे माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन, यहां पे माइनस साइन और यहां पे माइनस साइन, जहां जहां पे ऑड आ रहा है आई प्लस जे का सम, तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन पुट करना है। तो पहले हम a11 निकालेंगे, a11 ये रहा भाई, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, सो 2 × 8, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2 बचेगा, ठीक है ना। सेम ऐसे सेकंड वाले का निकालोगे, 0 में से 9 गया तो बचेगा क्या, +9 बचेगा, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले का निकालोगे, 0 में से 6 गया तो कितना बचा, -6 बचेगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे a21 का निकालोगे, इसका निकालोगे तो -4 और +4 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका करोगे, 4 - 6 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाले का निकालोगे, -2 और +3 कितना हो गया, 1, तो +-1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे a31 निकालो, a31 का ये हो जाएगा भाई, ये वाला रो और ये कॉलम और ये रो डिलीट, -3 - 1 + 3, 3 में से 4 गया, -1 बचेगा, ठीक है। ऐसे इसका निकालो भाई, सेकंड वाले का ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट, सो 1 + 3 - 3 और 0 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और सेम लास्ट वाला निकाल लो, 2 में से 0 गया, क्या बचा, 2 बचेगा, राइट। तो भाई अब निकाल लो एडजॉइंट ए, क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज कर देना है कोफैक्टर का। तो भाई रो में जो एलिमेंट है सबको कॉलम में लिख दो। तो भाई यहाँ पे देखो, 2 - 9 और 6 है माइनस का, सो 2 - 9 - 6, 0 - 2 और - 1, -1 और 3 और 2, ये क्या आ गया, एड जॉइंट आ गया। अब क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट इनटू में एड जॉइंट ए, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, यानी एड जॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट कितना है, -1 है भाई, तो -1 हो जाएगा।
ठीक है, इंटू टू जीरो माइनस वन माइनस नौ माइनस दो तीन माइनस छह माइनस एक दो, क्या करो माइनस को अंदर इंटू कर लो तो सभी एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस टू जीरो प्लस वन हो जाएगा प्लस नाइन, प्लस टू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स, प्लस वन और माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इनवर्स का, सॉरी मैट्रिक्स का इनवर्स। देखिए मैट्रिक्स हमें दे रखा है और यहाँ पे ट्रिगो आ गई है। ठीक है, ट्रिगो में मुझे पता है मोस्ट ऑफ का हाथ ढीला रहता है, बट कोई बात नहीं बेटा, इलेवंथ का तो ट्रिगो करना ही पड़ेगा बच्चा। ठीक है, इलेवंथ का ट्रिगो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आने वाला है। ट्वेल्थ में ट्रिगो इतना कुछ खास नहीं है, इनवर्स ओनली। और हाँ, सब कुछ पढ़ना उसमें ही ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद में इनवर्स ही कराऊंगा, क्योंकि फिफ्थ चैप्टर जब हम करेंगे कैलकुलस यानी कि डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, तो उसमें भाई सेकेंड चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के बिना इसके जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, ठीक, कैलकुलस का कुछ नहीं होगा बेटा, ट्रिगो के बिना कुछ नहीं होने वाला, समझ लो, ट्रिगो इज अ किंग है यार। ओके, बाकी सब क्या है, साम्राज्य के लोग हैं। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स यार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, हमें तो इनवर्स निकालना है, तो भाई कहीं पे भी एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, जीरो कॉस अल्फा इनटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, टेंथ क्लास में था ये फॉर्मूला। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, ए इनवर्स Does not exist, ठीक है, inverse does not exist होगा। Okay, now अब आगे देखिए भाई, हम क्या निकालेंगे इसमें, cofactor निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, cofactor निकालेंगे। Okay, so a11, a12, a13, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, और a33, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। चलो यहां पे नेगेटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन और यहां पे नेगेटिव साइन, बताया था ना, जहां पे तीन और पांच आ जाए सम, वहां पे नेगेटिव साइन करोगे, यानी ऑड सम आ जाते। तो चलो निकाल लो कोफैक्टर अब इसका, तो भाई कोफैक्टर निकालोगे पहले केस को, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखो क्या आ गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा बाय द वे मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने तो यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग करोगे तो भाई जीरो ही जीरो आ जाएगा, राइट। हालांकि जो यहाँ पे जो आप लिखते हो ना कॉफिशियंट वन है, जो जैसे जो यहाँ पे एलिमेंट लिखते हो बाहर, इनका जो कॉफिशियंट होता है ना अंदर जो ब्रैकेट में आप लिखते हो मल्टीप्लाई कर डिटर्मिनेंट निकालते हो, यही डिटर्मिनेंट एक्चुअली में फर्स्ट रो का कोफैक्टर होता है, तो मैंने ये सब नहीं लिखा यहाँ पे, तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो भाई इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी, जो कि यहाँ पे हमने लिखी थी इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस वन के बराबर। ए वन टू देखो, ए वन टू में ये आ जाएगा, देखो ये वाला सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, जीरो इंटू कॉस अल्फा जीरो, जीरो इंटू साइन अल्फा जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भाई इसका निकाल लो जरा, ये भी जीरो हो जाएगा, देखो तो राइट। ऐसे ए टू वन का निकाल लो, ए टू वन का जीरो जीरो, ये भी भाई जीरो हो गया उस तरीके, क्या बात है। ये भी देखो जरा, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये गया और ये गया ना, तो भाई ये माइनस कॉस अल्फा क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा, राइट। ये देखो ये वाला ऐसे गया और ये गया, तो ये माइनस कॉस अल्फा। सेम इसका देखो जरा, इसका देखो, ये आ जाएगा साइन अल्फा, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, ए थ्री वन का, ए थ्री वन का जीरो 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 हो गया भाई इसका, तो इसका भी चेक करो जरा, इसका चेक करो, ये देखो सेकेंड कॉलम थर्ड रो है ना, तो वन इंटू साइन अल्फा साइन अल्फा, क्या आ जाएगा, साइन। और A33 के केस में देखो, A3 के केस में क्या आ जाएगा, cos alpha आ जाएगा। क्या निकालेंगे अब, adjoint A निकालेंगे, क्या निकालेंगे, adjoint A, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। ठीक है, adjoint A क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, जो मैट्रिक्स है ना इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस वन जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स यानी माइनस वन है भाई, फॉर्मूला क्या हमारे पास, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट माइनस का माइनस वन जीरो जीरो, ठीक है, जीरो माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एन इंटू कर लो, साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी दे रखा है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स प्रूफ करना है, और ये सवाल भी दो नंबर में आ चुका है। हम सोचते हैं कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, हाँ 3/3 का थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, तो वो सवाल अक्सर नहीं देते हैं इस केस में, लेकिन 2/2 के चांसेस हैं ऐसे सवाल आने के। हालांकि ये क्वेश्चन समझ लो कि 60% ही चांस होते हैं इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, थोड़ा सा आपको फंसाने वाला सवाल भी दे सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है, कोई घुमा फिरा के कुछ इसके अंदर नहीं पूछते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, घुमा फिरा के आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, डिफरेंशिएशन में पूछा जाएगा, वेक्टर में पूछा जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाएगा, रिलेशन में नहीं पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर से इतना घुमा के सीधा जो एनसीईआरटी में वो सीधा उठा के वही देते हैं, ठीक है, और तो बाकी समय तो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, बाकी समय कोई नहीं, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा बहुत घुमा देते हैं, लेकिन उसमें भी 90% सीधे होते हैं सवाल। चलिए अब देखते हैं जरा इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी इनवर्स, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स निकालेंगे, फिर ए बी करके ए बी इनवर्स निकालेंगे, तो बहुत लेंथी सवाल होने वाला है ये, चलो निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे ए डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। तो भाई ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, 3 × 5 = 15 − 14 = 1 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 6 × 54 माइनस में 7 × 8 = 56 कितना आ गया -2, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है, और इसी के साथ हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, दोनों का साइन इंटरचेंज कर दोगे तो 5 − 3 − 2 − 7 हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी सेम इंटरचेंज करोगे, −6 और 9, ठीक है, 9 और 6 हो जाएगा, −8 − 7 हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लो क्या, ए इनवर्स, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स आएगा भाई वो आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, ए इनवर्स की वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास वो आ जाएगा 5 − 7 − 2 और 3, ठीक है। ऐसे हम बी इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट यानी जो बी इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी अपॉन में बी का डिटरमिनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बी का डिटरमिनेंट −1/2 और 9 − 8 − 7 और 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स है ना, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, राइट, तो बी इनवर्स हमारे पास 1/2, 9 − 8 − 7 = 6 हो जाएगा, और इंटू में ए इनवर्स 5 − 7 − 2 और 3, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे वैसे निकालना है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे, रो को कॉलम इंटू करेंगे, 9 × 5 = 45, 8 × 2 = 16, 9 × 7 = 63 और 8 × 3 = 24, ठीक है, 9 × 7 = 63, 8 × 3 = 24, 7 × 5 = 35, 6 × 2 = 12, 7 × 7 = 49, 6 × 3 = 18, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो बी इनवर्स ए इनवर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी −1/2, 45 और 16 कितना हो जाएगा 71, ठीक है, 63 और 24 यानी 8 − 87 हो जाएगा, ओके, और 35 और 12 कितना हो जाएगा −47 हो जाएगा, 49 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, 67 और यहाँ पे कितना आ रहा था भाई, 61 होगा भाई, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बी, भाई ये तो हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया, अब निकालेंगे ए बी, पहले हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 3 7 2 5, ओके, और 6 8 7 9, तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में इंटू करेंगे भाई, 3 6 18, 7 7 49, ठीक है, 3 8 24, 7 9 63, 2 6 12, 5 7 35, 2 8 16, ठीक है, 5 9 45, राइट, सॉल्व कर लो भाई, ऐड कर लो, तो ये हो गया 67 और ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 61, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी का डिटरमिनेंट, वाह भाई वाह, इनवर्स निकालना है भाई, ए बी का इनवर्स निकालना है, तो अब हम इसका जॉइंटली हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, 67 × 61 − 87 × 47,
ऐसे होगा ना, थोड़ी लंबी होगी ना वैल्यू, कोई नहीं। सात छ और छह सत्ते बयालीस, चार छ छिक छत्तीस, छत्तीस और चार कितना गया चालीस, सात आठ और चालीस, सॉरी हाँ हाँ सात आठ और चालीस, यानी चार हजार सत्तासी। ऐसे इसको कर लो भाई, सात सत्ते उनचास, चार सात अठे छप्पन और चार कितना हो गया साठ हो जाएगा, ठीक है। और चार सत्ते अट्ठाईस, दो चार अठे बत्तीस और दो कितना हो गया चौंतीस हो जाएगा। नौ आठ जीरो एक और चार, तो कितना आ गया माइनस चार हजार नवासी, तो कितना आ गया भाई माइनस दो आ गया, कितना आ गया माइनस दो आ जाएगा। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए बी क्या आ जाएगा भाई, इनके इनको इंटरचेंज करेंगे 61, 67, इन दोनों के साइन चेंज, माइनस 87, माइनस 47, ठीक है। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए बी का इनवर्स। सो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी अपॉन में ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब एडजॉइंट ए बी कितना हमारे पास, एडजॉइंट ए बी माइनस वन बाई टू, और ए बी का डिटरमिनेंट सॉरी ए बी डिटरमिनेंट इज माइनस टू, तो माइनस वन बाई टू, और एडजॉइंट ए बी क्या हमारे पास 60, 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ठीक है। चेक करो जरा क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, देखो जरा यहां पे इन दोनों वैल्यू को मैच करो भाई, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये थोड़ा लेंथी सा सवाल हो जाता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ऐसा हमने सवाल थर्ड चैप्टर में भी किया था, और मैंने वहां पे कराए भी है इस तरीके के सवाल, और वहां मैंने ए इनवर्स भी निकाला है, ठीक है, वहां पे भी मैंने ए इनवर्स निकलवाया था। लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स एडजॉइंट करके निकालते हैं। इसमें आपको एडजॉइंट का कोई रोल यूज नहीं करना है, कोई रोल नहीं है एडजॉइंट वगैरह निकालने का, आप वेरीफाई कर सकते हो बेसक से, लेकिन आपको एडजॉइंट ए सॉरी आपको जो ए इनवर्स यहाँ पे निकालना है वो इस इक्वेशन को यूज करके निकालना है। तो पहले हमें तो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर दिखाना है, ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इस मैट्रिक्स से हमें ए इनवर्स फाइंड सॉरी इस मैट्रिक्स इक्वेशन से ही हमें ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं जरा। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए डिटरमिनेंट, तीन दोनों छह जमा में नहीं क्या कर दिया मैंने सॉरी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो भाई ए स्क्वायर निकाल लो बस, तो यहां पे आएगा 3 1 माइनस 1 2, ओके, और ये आ जाएगा 3 1 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। रो को कॉलम में इंटू करोगे, 3 3 9, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 3 1 3, 3 2 आ जाएगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 और जमा में 4, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये कितना हो गया 8 5 माइनस 5 और 3 हो जाएगा, राइट। चलो सीधे इस इक्वेशन को लिखो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू आप लिख देना भाई 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं, हमें तो जीरो प्रूफ करना है, राइट। तो देखो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर है, राइट, 8 5 माइनस 5 3, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 5 को इसमें इंटू कर दो, हर एक नंबर से हर एक नंबर को माइनस 5 से इंटू करोगे, 5 a है ना, तो मैट्रिक्स a को 5 से इंटू करोगे, तो माइनस 5 इंटू 3 इज माइनस 15, कितना हो जाएगा माइनस 15, माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्लस 5 और ऐसे यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, 7i 7007 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 8 में से 15 गया माइनस 7 जमा 7 कितना हो गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0 जमा 0 0, माइनस 5 जमा 5 0, 0 जमा 0 इज 0, 3 और 10 माइनस करोगे तो माइनस 7 और 7 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो जो आई वाली टर्म है ना उसको आप राइट साइड में ले जाओ, इस वाले केस में आई वाली टर्म को आप राइट साइड में ले जाना, माइनस 7i हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दो, ए इनवर्स से इंटू कर दो, ए इनवर्स या पोस्ट, इसे हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू में ए इनवर्स माइनस 7i इंटू में ए इनवर्स, ठीक है, सभी को मैंने ए इनवर्स से इंटू कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये आ जाएगा 5i, a इंटू ए इनवर्स होता है आई के बराबर, और ये हो जाएगा माइनस 7a इनवर्स, ये मैट्रिक्स का एक है, और मैट्रिक्स को एक से इंटू करो तो मैट्रिक्स ही आ जाएगा, तो ए इनवर्स ही आ जाएगा। और ये मैं कैलकुलेट करना था, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 1 माइनस 1 2 है, ठीक है, माइनस में 5i, 5i का मतलब माइनस 5 0 0 माइनस 5 है ना, माइनस 5 को इसमें इंटू कर देंगे, और इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स, राइट। तो ये हमें सॉल्व करना है आगे,
तो क्या आ जाएगा, तीन में से पांच गया माइनस दो, एक में से जीरो गया एक हो जाएगा, माइनस एक जमा जीरो माइनस एक, दो माइनस में पांच कितना हो गया माइनस तीन हो जाएगा, ठीक है चलो। और यह माइनस सेवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन बाई सेवन हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू, वेरीफाई करने कर लो। देखो ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तीन दुनी छह सात हो जाएगा, वन बाई सेवन हो जाएगा, इसका इंटरचेंज कर दो भाई, दो तीन यहाँ पे आ जाएगा जो कि वहां पे दिख रहा है माइनस के साथ है, ठीक है। तो आप देखना, आप दूसरे तरीके से निकालोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर लो चाहो तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर दो भाई, तो दो तीन और यहाँ पे इसका साइन चेंज कर दो, माइनस वन प्लस वन बाहर के आ गया वन बाई सेवन, ठीक है। अगर आप माइनस से इंटू करते हो बाहर, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हो तो माइनस वन बाई सेवन ही हो जाएगा, इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ए और बी निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए ए बी आई इक्वल टू जीरो है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो भाई जीरो नहीं होते, जीरो मैट्रिक्स होता है, याद रखना, टू बाई टू का टू बाई टू का ही होगा, राइट। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, तो भाई थ्री टू वन वन इंटू कर लो, थ्री टू वन वन, ठीक है। रो को कॉलम इंटू करेंगे भाई, तीन तिया नौ, दो एकम दो, ठीक है, तीन दूनी छह, दो एकम दो हो जाएगा, एक तिया तीन, एक एकम एक, और एक दूनी दो, एक एकम एक, ठीक है। नौ दो ग्यारह आठ, चार और तीन, नौ दो ग्यारह आठ, चार और तीन हो जाएगा, ठीक है। सो ये ए स्क्वायर आ गया, अब भाई सॉल्व करना है आपको, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, जीरो के बराबर, ओ मैट्रिक्स के। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, वन जीरो जीरो वन के बराबर हो जाएगी, वन जीरो जीरो वन के बराबर होगी, सारी वैल्यू आप पुट कर दो, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा इलेवन एट फोर और थ्री, ठीक है, प्लस में ए ए, देखो ए ए है ना, तो इसको आप क्या करो सीधे लिख दो, थ्री ए टू ए ए और ए, ठीक है, और बी आई का मतलब क्या हो गया, बी जीरो जीरो बी, है ना, बी से इसको इंटू कर दोगे, सीधे लिखो आप, और ये जीरो 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 मैट्रिक्स के बराबर है। देखो अब सॉल्व कर लो, इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी, एट एट प्लस टू ए, फोर प्लस ए प्लस ये रहेगा, और थ्री प्लस में थ्री प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, है ना, ऐड कर लिया बस मैंने, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, कॉम्पेरेबल है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होगा। सो एट प्लस टू ए तो जीरो के बराबर, तो टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एट, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर, ठीक है। यहाँ पे इसको ज्यादा सिंपल तरीका, थ्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो भाई यहाँ पे थ्री माइनस फोर प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल प्लस वन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस वन आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल टू जीरो है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए स्क्वायर निकालेंगे भाई, ठीक है, तो वन वन वन, वन टू माइनस थ्री, टू माइनस वन और थ्री, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा स्पेस बना ही देता हूँ ना, ये बोर्ड बहुत भरने वाला अभी है। तो ये आ जाएगा वन वन वन, वन टू माइनस थ्री, टू माइनस वन और थ्री, सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, सॉल्व करते हैं, चलो क्या आएगा भाई, रो को कॉलम इंटू करना है, सो वन इंटू वन इज वन, वन इंटू वन इज वन, वन इंटू टू इज टू, ठीक है, वन इंटू वन इज वन प्लस टू माइनस वन, और वन माइनस थ्री प्लस में थ्री, ठीक है, ऐसे सेकेंड रो को करोगे, वन इंटू वन इज वन, टू इंटू वन इज टू, माइनस थ्री इंटू टू इज माइनस सिक्स, सेम ऐसे माइनस, यानी वन इंटू वन इज वन प्लस फोर प्लस में थ्री, और वन माइनस में सिक्स और माइनस में नाइन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा भाई, टू टू इंटू वन इज टू, माइनस वन और प्लस सिक्स, सो टू माइनस टू और माइनस में थ्री, सो टू प्लस थ्री और प्लस में नाइन, ओके सॉल्व करते हैं भाई इसको अब, तो ये आ जाएगा चार, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे आ जाएगा एक, माइनस तीन, सात और तीन कितना हो जाएगा दस, सॉरी आठ, चार और आठ हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस फोर्टीन आ जाएगा, सेम ये माइनस एक यानी पाँच आ जाएगा, जीरो यानी माइनस तीन आ गया, पाँच और नौ कितना हो गया फोर्टीन हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम ए क्यूब, क्या निकालेंगे भाई, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, फोर टू वन माइनस थ्री एट माइनस फोर्टीन, फाइव माइनस थ्री फोर्टीन, और इंटू में ए, ए हमारे पास ये हो गया वन वन वन, वन टू माइनस थ्री, टू माइनस वन और थ्री,
सॉल्व कर लो इसको भी। देखो चार एकम चार, दो एकम दो, ठीक है, एक दूनी दो, ठीक है, ये हो जाएगा फोर और प्लस फोर माइनस वन और फोर माइनस सिक्स प्लस में थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, रो को कॉलम में इंटू कर रहा हूँ, माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री प्लस एट माइनस ट्वेंटी एट माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन माइनस यानी प्लस फोर्टीन और माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी टू, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ये, यानी फाइव माइनस थ्री प्लस ट्वेंटी एट फाइव माइनस सिक्स और माइनस फोर्टीन और इसके बाद फाइव प्लस नाइन और प्लस में फोर्टी टू। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा आठ सात और एक, उसके बाद यहाँ पे माइनस ट्वेंटी और माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री, है ना, इनको करोगे सेम ऐसे इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा तीस, तीस में से तीन गया तो बचेगा कितना सत्ताईस, और ये सत्ताईस और बयालीस, सत्ताईस और बयालीस सिक्सटी नाइन, है ना, सत्ताईस और बयालीस सिक्सटी नाइन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा पच्चीस और पांच कितना हो गया तीस, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस एक माइनस पंद्रह और ये चौदह और बयालीस कितना हो गया फिफ्टी सिक्स। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई इक्वल टू जीरो। अब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन, ये थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आप इसे बोल सकते हो। सो ए क्यूब क्या है हमारे पास, ए क्यूब ये रहा, ए क्यूब ये ऊपर आ रखा है, एट सेवन वन माइनस तेईस सत्ताईस माइनस उनहत्तर तीस माइनस पंद्रह और छप्पन, ठीक है, तो प्लस लगा दो, माइनस छ को ना इससे इंटू करेंगे ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर आ रखा है ना, ये तो ए स्क्वायर है, इसको माइनस छ से इंटू कर दो तो माइनस चौबीस और ये क्या हो जाएगा माइनस बारह माइनस छ, ठीक है, छिया अठारह प्लस का अठारह माइनस फोर्टी एट और चौदह छिक चौरासी एटी फोर प्लस का, सेम पांच छह पंजे तीस माइनस का छिया अठारह और चौदह छिक चौरासी माइनस का, ठीक है ना, ये हो गया। अब फाइव ए लिख दो भाई, फाइव ए का मतलब भाई इसको पांच से इंटू करेंगे तो हर एक को पांच से इंटू करोगे तो पांच 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 और पांच दस माइनस पंद्रह और टेन माइनस फाइव और फिफ्टीन, राइट, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा इलेवन आई, तो इसको इलेवन से इंटू कर दो, इलेवन जीरो 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 इलेवन जीरो 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 इलेवन, सॉल्व कर लो आप। देखो आठ और पांच तेरह, तेरह में से चौबीस गया ग्यारह माइनस ग्यारह और जमा ग्यारह कितना हो गया जीरो हो गया, माइनस सात में से बारह गया माइनस पांच जमा पांच जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, एक में से छह गया माइनस पांच जमा पांच ये भी जीरो, माइनस तेईस जमा में अठारह कितना माइनस पांच और जमा में पांच ये भी जीरो, सत्ताईस में से अड़तालीस, सत्ताईस और दस जोड़ दो पहले तो, सत्ताईस और दस कितना हो जाएगा सैंतीस, अड़तालीस घटाओ माइनस ग्यारह और जमा ग्यारह क्या हो गया जीरो, तो भाई सबको जोड़ोगे जीरो जीरो ही आएगा, ठीक है, वैसे जोड़ लो मैं तो लिख दूंगा ऐसी बात नहीं है, तो यहाँ पे देखो माइनस सिक्सटी नाइन माइनस फिफ्टीन माइनस एट्टी फोर जमा एट्टी फोर जीरो, ठीक है, थर्टी माइनस थर्टी जीरो जमा जीरो जीरो हो जाएगा, थर्टी माइनस थर्टी, अच्छा यहाँ पे ना एक गलती है, छह दो आठ में से एक गया तो सात बचेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सात आएगा, इधर भी सेवन आना चाहिए, सात दूनी चौदह हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और चौदह अट्ठाईस में से तीन गया कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा माइनस, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट, चौदह में से तीन गया ग्यारह, ग्यारह और अट्ठाईस हो गया उनतालीस, राइट, ये उनतालीस आएगा यहाँ भी उनतालीस और यहाँ पे छह से इंटू करोगे माइनस से तो माइनस फोर्टी टू, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, पर यहाँ पे भाई सेवन होगा, सात एकम सात, सात में से तीन गया तो बचा चार और अट्ठाईस कितना हो गया बत्तीस, तो ये बत्तीस होगा, बत्तीस 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 ये बत्तीस हो गया, ओके, अब सॉल्व कर लो, बत्तीस माइनस बयालीस माइनस दस माइनस दस जीरो हो गया, ठीक है, इसलिए आ रही क्योंकि ये वाला सबसे इंटू हो रहा है ना, तो हर जगह यहाँ पे सेवन होगा भाई,
हर जगह सात, ये सारे एलिमेंट चेंज होंगे तो ये हो जाएगा एक और ये माइनस तेरह, ठीक है। और यहाँ पे भी सात और नौ सोलह, सोलह और बयालीस, यानी कि सोलह और बयालीस कितना हो जाएगा भैया, फिफ्टी वन, फिफ्टी एट, फिफ्टी एट होगा ये। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस तेरह और यहाँ पे फिफ्टी एट। अब चेक करना जरा, माइनस तेरह अट्ठारह पाँच, पाँच माइनस पाँच जीरो, ठीक है। अट्ठावन माइनस में चौरासी कितना आ जाएगा, चौदह में से आठ गया, मतलब चौदह में से आठ गया छः, और कितना बचेगा ये सात में से पाँच गया दो, छब्बीस जमा में पंद्रह कितना हो जाएगा ये वाला पंद्रह, माइनस ग्यारह जमा ग्यारह कितना हो गया जीरो, ठीक है। तो ये भी जीरो आ गया। तो भाई थोड़ा सा यहाँ देख लेना, यहाँ पे सेवन था, ये सेवन की गलती हो गई थी। चलिए अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है भाई, इसी को हम दोबारा लिखेंगे, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर प्रूफ हो गया। सो ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए, यहाँ पे क्या करेंगे इलेवन आई को मान ले जाएंगे, तो माइनस इलेवन आई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी को ए इनवर्स से इंटू करेंगे, तो भाई ये क्या हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस फाइव ए इंटू में ए इनवर्स और इक्वल टू माइनस इलेवन आई इंटू में ए इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सिक्स ए हो जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई के बराबर होता है, ये आई के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस इलेवन ए इनवर्स। अब सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू दोबारा यहां पुट करनी है। ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, चार दो एक माइनस तीन आठ माइनस फोर्टीन और सेवन माइनस थ्री एंड फोर्टीन, ठीक है, और प्लस में सिक्स ए, इसको सिक्स से इंटू कर दो, तो माइनस छ माइनस छ माइनस छ माइनस छ माइनस बारह और प्लस अट्ठारह, सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस बारह प्लस में छ और माइनस अट्ठारह, ठीक है, और प्लस में फाइव आई, यानी फाइव जीरो 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 फाइव जीरो 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 फाइव, ठीक है, ये हो गया इलेवन माइनस इलेवन ए इनवर्स के बराबर। अब वो सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट देख लो एक बार, ठीक है, तो ऊपर वाला तो मिटा देता हूं मैं, यहां से इनवर्स निकाल लेंगे, चार में से छह गया माइनस दो और जमा में पांच कितना हो गया माइनस दो जमा पांच प्लस तीन, दो में से छह गया माइनस चार तो माइनस चार आएगा, एक में से छह गया तो माइनस पांच तो माइनस पांच आएगा, माइनस तीन माइनस छह माइनस नौ तो माइनस नौ ही आएगा, ठीक है, आठ में से बारह गया माइनस चार और जमा पांच तो एक आ जाएगा, माइनस फोर्टीन जमा अठारह फोर, फोर जमा जीरो फोर हो जाएगा, सेवन में से बारह गया माइनस पांच तो माइनस पांच ही आएगा, माइनस तीन और छ तीन आ जाएगा, ठीक है, और चौदह में से अठारह गया चार माइनस और माइनस चार जमा पांच इज वन, ठीक है, और यहाँ पे माइनस इलेवन था ना, यहाँ पे माइनस इलेवन यहाँ पे आके माइनस वन बाई इलेवन हो जाएगा, दिस इज योर ए इनवर्स। तो थोड़ी बहुत देखो मिस्टेक, अगर एक भी गलती तो आपके साथ बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तीन तीन यहाँ पे एलिमेंट गलत हो सकते हैं, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए सेम क्वेश्चन है, पंद्रहवा क्वेश्चन की तरह 16 भी, इसमें भी हमें पहले वेरीफाई करना है फिर ए इनवर्स निकालना है। चलो करते हैं जल्दी, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर के लिए टू माइनस वन वन सेल्फ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, वन माइनस वन एंड टू, और इसके बाद भी टू माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन वन माइनस वन एंड टू, तो क्या करेंगे रो को कॉलम इंटू करेंगे, टू टू सा फोर माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, वन इंटू वन इज वन हो जाएगा, राइट, सो टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू, माइनस टू ये भी हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, और सेम टू इंटू वन इज टू, माइनस वन इंटू प्लस वन इज प्लस वन, वन इंटू टू इज टू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू, टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू, वन इंटू माइनस वन इज वन माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, सो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस प्लस फोर और ये प्लस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस टू प्लस फोर, सेम ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू प्लस यानी प्लस में वन और प्लस में टू, सो माइनस वन माइनस टू और माइनस टू, फिर उसके बाद वन और प्लस वन और प्लस में फोर, ठीक है, यह बखूबी हम बहुत करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन देख लो भाई क्या आ गया, छ माइनस पांच और ये पांच माइनस पांच, छ माइनस पांच सॉरी चार में से दो गया कितना बचा दो और यानी एक, और यहाँ पे पांच माइनस पांच और छ, राइट, एक बार इसको और देख लेते भाई, माइनस वन माइनस टू और माइनस टू, देखा यहाँ पे गलती हो और माइनस ये माइनस पांच हो जाएगा, ऐसे होती है भाई गलतियाँ। चलिए अब निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब क्या हो जाएगा सिक्स माइनस फाइव फाइव, माइनस फाइव सिक्स माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव एंड सिक्स,
इसको इससे इंटू कर दो, सो 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 और 2 कर लो इसको मल्टीप्लाई, तो भाई 6 × 12 ठीक है, यानी +5 + 5 - 6 - 10 - 5 ठीक है, यानी 6 - +5 और +10 -2 - 5 - 2 - 10 -6 और -5 फिर -+5 हो जाएगा ये 6 × 12 - 5 - 5 - 6 और -10 सेम यहाँ पे 5 से करोगे तो 10 ठीक है, माइनस यानी +5 + 6 और उसके बाद -5 - 10 और -6 5 + 5 और +12 ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लो इसको, आगे सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा कितना 22 और ये कितना आ जाएगा 21 माइनस का ठीक है, सेम ये प्लस का 21। अब ऐसी आएंगी टर्म सारी, -21 ठीक है, अच्छा 5 - 5 = 10 ये थोड़ा देखना पड़ेगा फिर तो भाई, बीच वाली टर्म है ना ये वाली टर्म, -5 - +5 + 12 और +5 है ना, तो कितना हो गया ये 22 हो गया, और ये -5 - -11 राइट, और ये भी 21 सॉरी -5 - -21 - 21 और ये भी कितना 21 और ये भी -21 और ये कितना हो जाएगा 22। चलिए अब निकालते हैं a³ - 6a² + 9a - 4i ठीक है। अब a³ तो हमारे पास आ गया 22 - 21 - 21 - 21 - 21 - 21 - 22 ठीक है, और प्लस में -6 से हम इसको इंटू कर रहे हैं ठीक है a² को, तो -36 ठीक है, माइनस यानी प्लस प्लस में 30 तो इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे भी, -30 + 30 - 36 + 30 - 30 + 30 और -36 ठीक है, 6 इंटू कर रहे हैं हम लोग। अब प्लस में 9a, इसको 9 से इंटू कर दो, 18 - 9 - 9 - 9 18 - 9 और 9 - 9 और 18 और प्लस में 4i, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई लिख लेना भाई 100010001 3x3 की मैट्रिक्स से, तो 3x3 का ही आई लोगे आप, तो -4000 - 4000 - 4 सॉल्व कर लो इसको, देखो 22 में से 36 गया, बाईस और 18 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 4 गया 36 माइनस 36 0 ठीक है, चलो सारे एलिमेंट को माइनस करेंगे, -21 9 - 9 0 21 में से 30 गया -9 और -9 और +9 ये भी 0 हो जाएगा, 21 यानी 9 - 9 0 22 यानी -14 - 14 + 4 - 4 0 ठीक है, -21 - 9 - 9 - 9 = 0 बचे गए ठीक है, ऐसे 21 में से 9 गया 30 गया -9 और 9 जब हम करोगे 0 आ जाएगा, 21 और -9 - +9 और 9 0 22 में से 36 गया -14 और +18 4 - 4 = 0 ठीक है भाई, इस बार ठीक है कैलकुलेशन पूरी। चलो अब निकालना है हमें a इनवर्स, तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें देखो क्या क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए पहली बात, तो ये हमें चाहिए ये, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ मुझे उन सब की जरूरत नहीं है ठीक है, तो हमारे पास ये तो वेरीफाई हो चुका है राइट, तो वेरीफाई हो गया है तो इसको हम 0 लिख लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे a इनवर्स से इंटू कर देंगे, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स प्लस 9a इंटू में a इनवर्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4ai इंटू में a इनवर्स, पहले 4i को उधर ले जाएंगे राइट, प्लस का हो जाएगा। चलो तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i इक्वल टू 4a इनवर्स, सॉल्व कर लो सारी वैल्यू पुट कर लो, ए स्क्वायर तो ये रही हमारे पास 6 - 5 ठीक है, 5 - 5 - 6 - 5 - 5 and 6 ओके, और माइनस यानी प्लस माइनस 6 से इसको इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा -12 + 6
माइनस छ माइनस यानी प्लस छ माइनस बारह प्लस छ माइनस छ प्लस छ और माइनस बारह ठीक है, प्लस में नाइन आई है तो नाइन जीरो 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 नाइन जीरो 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 नाइन इक्वल टू फोर इनवर्स। चलो आगे सॉल्व करते हैं, छ में से बारह गया माइनस तीन जमा नौ छ हो जाएगा, माइनस पांच जमा में छ तो एक, तो एक आ जाएगा, पांच में से छह गया माइनस एक, माइनस छ एक तो एक ही आ जाएगा, छ में से बारह गया माइनस बारह जमा नौ कितना हो गया तीन, छ में से बारह गया माइनस बारह माइनस छ जमा नौ माइनस तीन, माइनस पांच जमा छ माइनस एक यानी प्लस एक हो जाएगा राइट, फाइव में से छ गया माइनस एक तो माइनस एक, माइनस पांच जमा छ एक तो एक आ जाएगा, छह में से बारह गया माइनस बारह जमा नौ तीन आ जाएगा ठीक है। तो ये वाला क्यों गलत आ रहा है, छह में से बारह गया माइनस छह जमा नौ तीन, तो ये भी तीन ही आएगा भाई ठीक है। अब फोर वहां पे ना, तो यहाँ पे डिवाइड में फोर आ जाएगा, तो यही क्या है ए इनवर्स है। तो ये वाले सवाल में थर्ड चैप्टर में भी करा चुका हूं, तो इसलिए थोड़ा रैपिडली कराना पड़ेगा, तो बस आप कर सकते हो। चलिए आखिरी के सवाल दो है, ये एमसीक्यू है और एग्जाम में एमसीक्यू यहीं से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ठीक है। तो ये याद रखना, जो जो भी आपके बोर्ड में एमसीक्यूज होते हैं मोस्टली वो यहीं से होते हैं ठीक है, जो आपके चैप्टर एक्सरसाइज के एंड में दो तीन क्वेश्चन एमसीक्यू के दिए होते हैं। चलिए पढ़ते हैं फटाफट, दो क्वेश्चन है लास्ट के। ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए, हमें पता है एडजॉइंट ए क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है। अब भाई 3/3 की मैट्रिक्स है, कौन सी है 3/3 की मैट्रिक्स है, तो एन यहाँ पे थ्री हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला हमारे पास था, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर 3-1 हो जाएगा, सो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज, मैंने बताया था इसका सीधा फॉर्मूला है कि ये 1/ डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, सो भाई ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है 1/ ए डिटरमिनेंट के बराबर होता है, कॉन्सेप्ट में शुरू में ही बताया था। इसी के साथ ये लेक्चर की समाप्ति होती है ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से ठीक है। तब तक के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करते रहो, खूब लगे रहो, ताबड़तोड़ मेहनत करते रहो ठीक है, मिलेंगे, सी यू एंड टाटा बाय।